السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم मोहतरम सदर इजलास हजरात उलमाए किराम मोहतरम बुजुर्गों नौजवान भाइयों प्यारे बच्चों पर्दा नशीन माओ बहनों उन्वान है जिंदगी गुजारने का मंशूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे हज्जतुल विदा की रोशनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक बार हज किया फर्स्ट एंड लास्ट और चार उम्रे की हज सन 9 हिजरी में फर्ज हुआ आप उस साल हज के लिए जा सकते थे इस तरह आपके दो हज हो जाते लेकिन सन 9 हिजरी में हज की फर्जियत के बाद भी आप उस साल हज के लिए नहीं गए क्यों वजह उसकी ये थी कि अब तक लोग खाने काबा का तवाफ उरिया और नंगे किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे कि मैं हज करूं और मेरी निगाह ऐसे लोगों के ऊपर पड़े जो पहना उरिया और नंगे इससे ये पता चलता है कि न्यूडिज्म नंगेपन का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं नंगा होना यह हया के खिलाफ है जो इंसान की फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने वदियत कर दिया है इसकी दलील ये कि जब हजरते आदम व हव्वा के बदन से लिबास बहिश्ती उतर गया तो उन्होंने जल्दी जल्दी एक दरख्त के पत्ते अपने जिस्म पर लपेटने शुरू कर दिए ये दलील है इस बात की
कि इंसान की फितरत में हया वदियत की हुई है। अब जो नंगा रहना चाहे वो फितरत के खिलाफ हरकत का इर्तिकाब कर रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी के अंदर हज नहीं फरमाया। वजह उसकी यही थी जो मैंने आपके सामने बयान किया। एक गुजारिश करूंगा कि सारे लोग अपने अपने मोबाइल ऑफ कर खुदा के लिए। उस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को और हजरत अली को अमीर हज बना करके भेजा और यह फरमाया कि ऐलान करा देना कि अगले साल से कोई भी शख्स खाने काबा का तवाफ नंगे नहीं करेगा। अगला साल जब आया सन 10 हिजरी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा पहले से कर लिया था, अब आप निकले। ये ज़िकात की 24वीं या 25वीं तारीख थी और आप मदीना से निकले। एक रिवायत के मुताबिक जोहर पढ़ करके निकले और एक रिवायत के मुताबिक आप मदीना से बाहर चलकर एक मकाम पर जिसका नाम ज़ुल हुलैफा है वहां आपने नमाज जोहर अदा फरमाई और आप इतवार के दिन, चार दिन के बाद इतवार के दिन मक्का में दाखिल। उसके बाद आपने अरकान हज अदा फरमाए और फिर आपने यौम नहर के दिन वो खुतबा सहाबे किराम के सामने पेश किया जिसके अंदर जिंदगी गुजारने का पूरा सामान मौजूद है। वो या जिंदगी गुजारने का एक मंशूर है जो उस खुतबे में पेश कर दिया गया। सहाबे किराम का एक अंबूह कसीर है, तकरीबन 1,24,000 सहाबे किराम मौजूद है। इस खुतबे को, इस लेक्चर को बहुत सारे रावियों ने रिवायत किया है। मैं ये चाहूंगा कि जिन जिन रावियों ने इस खुतबे को रिवायत किया है उनका नाम भी पेश कर दूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी जबान में, जो कि आपकी जबान थी, उसमें जो खुतबा पेश किया है पहले वो नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज को मैं अपनी जबान में पेश कर दूं। परेशान मत होइए, तकरीबन 7-8 मिनट में वो खुतबा खत्म हो जाएगा। करोड़ों लोगों में से शायद किसी मौलवी को, किसी आलिम को यह खुतबा याद हो, करोड़ों लोगों में से किसी को। मैं पेश करता हूं। वक़द रवा हाज़िही अल-खुतबा अददुम मिन अस-सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन व मिनहुम जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी व जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बुजैरी व अब्दुल्लाह बिन उमर وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس ورافع بن عمرو الهذلي وابو امامه الباهلي وابو بكر الانصاري والبراء بن عازب وجبير بن مطعم والحرماس بن زيد الباهلي وعمر بن الاحوص وام حسين رضوان الله تعالى عليه اجمعين। جاء في رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم خطبة الوداع استنصت الناس فخطبهم يوم النحر حين ارتفع الضحى بين الجمرات على ناقته العذباء واضيا رجليه في الغرز يتطاول ليسمع الناس مردفا أسامة بن زيد
وأسامة رافع عليه صوبه يزله من الحر وبلال آخذ بقود راحلته والناس بين قائم وقاعد فحمد الله وأثنى عليه قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهر منها أربعة حرم ثلاث متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مزر الذي بين جمادى وشعبان أي شاهد هذا؟ قل لا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة؟ قلنا بلى قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد زلال يضرب بعضكم رقاب بعض ألا لا يجري جار إلا على نفسه ولا يجري والد على ولده ولا ولد على والده ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه ألا وإن كل ربا في الجاهلية موزوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موزوع كله ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موزوع فأول دم أعظم من دماء الجاهلية دم الحارث ابن عبد المطلب كان مسترزعا في بني ليث فقتلته زيد ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون الشيء غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فأجرهن في المضاجع واضربهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطين فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوى من بعض من سمع نزل الله امرأة سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يخل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم يا أيها الناس اتقوا الله وإن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهد إلينا فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأتيوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وقال إني أوصيكم بالجار فأكثر حتى قلت إنه سيورثه وقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية فلا وصية لوارثه والولد للفراش وللعاهل حجر ومن ادعى إلى غير أبيه ومن انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التعبية إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مودعة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم وودع النبي الناس فقالوا هذه حجة الوداع یہ پوری کی پوری تقریر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفہ میں لوگوں کے سامنے پیش کی کوئی یاد ہی نہیں کرتا ہے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتا ہے سارے مسلمان بن رہے بچارے ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا یہ سنت کو نہیں مانتا یہ رسول کو نہیں مانتا یہ قرآن کو نہیں مانتا یہ اولیاء کو نہیں مانتا
ये पूरी की पूरी हदीस मैंने पढ़ दी, पूरा का पूरा खुतबा, करोड़ों में से किसी को याद होगा। क्या ख्याल है? ये किसी मौलवी से कहिए कि तकरीबन 6 महीना याद करें, उसके बाद सुना दे, भूल जाएगा। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे के अंदर क्या बयान फरमाया, मैं आपको ये बता दूं कि आपकी नबवी जिंदगी का जो 23 साल दावती सफर है, आपकी 23 साल नबवी जिंदगी, आपकी कुल उम्र मुबारक 63 साल, 40 साल में आप नबी बनाए गए, यहीं से आपकी नबवी जिंदगी शुरू होती। तो आपकी नबवी जिंदगी की दावती सफर की पूरी तफसील, या यूं कहिए कि उसकी जिस्ट समराइज करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर दिया। गोया एक दरिया को आपने कूजे में बंद कर दिया, और ये इतना अहम खुतबा है। और अजीब बात तो यह है कि इसी मकाम पर आयत करीमा नाज़िल हुई, अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदितु लकुम इस्लाम। आइए एक हदीस से देख लेते हैं, हदीस इस इस्लाम व तारिख बिन शहाब रजी अल्लाह तआला अन्हु قال ان اناس من اليهود قالوا لو نزلت هذه الايه فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي الله تعالى ايه ايه فقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقال عمر اني لعالم اي مكان انزلت انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفه رواه البخاري في كتاب المغازي حضرت امام البخاري رحمه الله عليه البخاري الشريف کے اندر یہ حدیث پاک کتاب المغازی کے اندر لائے راوی مشہور صحابی حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ طارق بن شہاب رضی اللہ حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ کچھ یہودی آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ان یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر ہمارے درمیان وہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے لَتَخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا تو حضرت عمر نے پوچھا آئیے تو آیتی کون سے which was کس آیت کے بارے میں آپ کہتے ہیں about which was your topic کس آیت کے بارے میں آپ کہتے ہیں آئیے تو آیتی کون سی آیت تو یہودیوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا یہ آیت کریمہ اگر ہمارے اندر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں تو حضرت عمر نے فرمایا فقال عمر انی لاعلم مجھے علم ہے ای مکان انزلت یہ آیت کریمہ کس جگہ نازل ہوئی ہے کس جگہ نازل ہوئی ہے I know very well. अच्छी तरह मुझे इल्म है। कहाँ नाज़िल हुई? उन्ज़िलत वा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िफ़ुन बिअरफ़ा। ये नाज़िल हुई है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा में खड़े हुए थे। एक नुक्ता और मिला कि इस आयत करीमा के बाद सिर्फ इदा जा रसूलुल्लाह सूरह नस्र नाज़िल हुई। ये ऐलान था कि आपको जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो मकसद पूरा हो गया, अब आप हमारे पास आने वाले, दिन मुकम्मल हो गया। एक अजीब बात बताऊं, कमाल किसको बोलते हैं? इकमाल। लड़के से कहा जाए कि इस ग्लास को पानी से भर दे, कामिल, कामिल मींस पूरा, एज अ होल यानी होल होली, पूरा का पूरा भर दे। अब इस तरह वो ग्लास के अंदर पानी भर देता है कि अगर एक कतरा भी टपकाया जाए तो कतरा बाहर चला जाए। तो यह कहा जाएगा कि गिलास में पानी कामिल तौर पर भरा हुआ है। अगर उसके अंदर वो कतरा ठहर जाए तो गिलास में पानी कामिल तौर पर नहीं है, एक कतरा भी डालने की गुंजाइश न हो, और एक कतरा अगर निकाल लिया जाए तब भी गिलास कामिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है। और कमाल का मतलब यह होता है ना उसके अंदर कोई चीज दाखिल की जा सकती है ना उसके अंदर से कोई चीज निकाली जा सकती है। अगर दाखिल कर दे तब भी कमाल के खिलाफ, और अगर निकाल ले तब भी कमाल के खिलाफ।
कितने लोग हैं जो बढ़ा भी रहे घटा भी रहे और कह रहे हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, शैतान ने उनको गलत रूट के ऊपर डाल दिया। तो ये तो इस आयत करीमा के शान उरूज का मामला था जो मैंने आपके सामने पेश किया। यहूदियों ने कहा कि हम उस दिन को ईद बना लेते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने नहीं कहा कि हम लोग उस दिन को ईद बना लेंगे। इतनी बड़ी आयत नाज़िल हुई, पता ये चला कि अल्लाह और उसके रसूल पूरे साल के अंदर जितने ईद हमें दें वही हमें लेना है, और जितनी ईद दे दी है उतनी ही, जितनी ईदें दे दी है उतनी ही ईदें हमें लेना है और उन्हीं दिनों को ईद समझना है। अपनी तरफ से हम ईद नहीं बना सकते किसी दिन को। अल्लाह और उसके रसूल जिस दिन को ईद बना ले हमें चुपचाप उन्हीं दिनों को ईद बनाना है। अपनी तरफ से हम ईद नहीं बना सकते, नहीं तो यहूदी बता रहे हैं कि ये आयत करीमा इतनी अजीम शान है कि हमारे दरमियान अगर नाजिल होती तो हम ईद बना लेते। लेकिन हजरत उमर ने ये नहीं फरमाया कि इतनी अजीम शान आयत नाजिल हुई, लाओ हम लोग उस दिन को ईद बना लें। इसलिए उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ईद वही दिन ईद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अब आइए खुतबे की तरफ। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह बल्कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शुरू करने से पहले फरमाया, इस्तंसितिन नासा, लो लोगों को चुप कराओ, लोगों को चुप कराओ। देखिए इस तरह अगर कहीं मोबाइल बज रहा हो, कहीं लोग बातें कर रहे हो और खतीब तकरीर करने जा रहा हो तो सुन्नत यह है कि किसी से कह दे कि लोगों को चुप कराओ। ये जो मैंने कहा कि मोबाइल ऑफ कर लीजिए, ये सुन्नत के मुताबिक है। इस तरह से भी नासा, आप लोगों को चुप कराओ, चुप कराओ लोग, इस तरह से भी नासा, लोग अपने मोबाइल में स्विच ऑफ कर लें। सादे करीमा से सभी खतीब बोल सकता है और लोगों को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। इसी तरह अगर कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो कहा जा सकता है कि इनसे कहिए कि खामोश हो। इस सबसे दिन नासा, लोगों को चुप कराओ। इससे यह पता चलता है कि दीन की एक एक बात इंतहाई अहम है। अगर आदमी किसी दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा तो हो सकता है दीन की वो अहम बात ना सुन सके। इसी वजह से दीन की बात जब कही जाए, दीन की बातें बयान की जाए तो लोगों को इतना गौर से सुनना चाहिए और पूरी तवज्जो और पूरे इत्मीनान के साथ उसे समाप्त करना चाहिए। इस तंग से दिन नासा, लोगों को चुप कराओ। उसके बाद कहते हैं फखातबहुम यौमन नहर, यौमन नहर में, नहर के दिन आपने उनको खुतबा दिया। ये देखो यहां खाताबा का लफ्ज है, खतीब, खतीब, खतीब का मतलब होता है लेक्चर, लेक्चर देने वाले। या इन्हीं कहा कि आपने वाज फरमाया, नहीं 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 नहीं, यहां 1,24,000 का मजमा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज खतीब, एज लेक्चर, यहां आप वाइज नहीं है, आप यहां एक लेक्चर के हैसियत से लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर है खुतबतुन मींस लेक्चर, और एज खतीब फखातबहुम, एज लेक्चर, यहां वाज नहीं है बल्कि एक लेक्चर। फखातबहुम यौमन नहर, आपने यौमन नहर को यह खुतबा दिया सामने पेश। इससे एक नुकता मिला के तकरीर के लिए, लेक्चर के लिए, दीनी प्रोग्राम के लिए किसी एक दिन को मुतय्यन किया जा सकता है। फखतबहुम यौमन नहर, आपने उनको लेक्चर दिया, खुतबा दिया उनके सामने यौमन नहर को। देखिए यौम माने दिन, पता ये चला कि खुतबे के लिए, दीनी प्रोग्राम के लिए किसी दिन का मुकर्रर करना कि फला तारीख को, आज 17 तारीख को मरकजुल फुरकान या कहीं भी एक दीनी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, तो ये दिन की टाइम बिदात नहीं है, हदीस साबित है। इसलिए कि ये लेक्चर आपने यौम नहर को दिया है, एक खास दिन आपने मुकर्रर फरमाया है अजीम शान खुतबे को डिलीवर करने के लिए, तो दिन मुतय्यन कर सकते हैं। हीना तफा दुहा, ये तकरीर आपने फरमाई जब जाश का वक्त हो गया था,
सूरज चढ़ाया। दूसरा नुक्ता यह मिला कि टाइम मुकर्रर किया जा सकता है, 8 से लेकर के 9 तक ये दावती प्रोग्राम चलेगा। तो टाइम का मुकर्रर करना भी हदीस से साबित है, इसलिए कि आपने ये जो लेक्चर दिया है, ये जो तकरीर फरमाई है, वक्त बताया जा रहा है कि चाश का वक्त हो गया था, ये वक्त है और दिन यौम नहर है। बैनल जमराती, शैतान की जा रनी करते हैं, पत्थर मारते हैं वहां, जमरों के दरमियान बताइए चला कि दिन भी मुतय्यन किया जा सकता है, वक्त भी मुतय्यन किया जा सकता है, जगह भी मुतय्यन की जा सकती है। मरकज़ुल कुरान में या फला स्कूल के फला हॉल के अंदर ये तकरीर होगी, देख रहे हैं। बैन अल जमरा, बैन का मतलब होता है दरमियान, तो जगह के बन, जरफे मकान नहीं है, जरफे मकान नहीं है, जगह बैना जरफे मकान है, यानी मकान मुतय्यन किया जा सकता है। और अला नाकतिल अजबाई, अपनी ऊंटनी अजबा के ऊपर सवार है, बताइए चला कि स्टेज लगाना भी जायज है, दुरुस्त है, इसलिए कि सहाबे किराम नीचे बैठे हुए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी के ऊपर सवार है। इस तरह स्टेज लगाना कि खतीब ऊपर रहे और सामईन नीचे बैठ करके समाप्त फरमाए, यह भी हदीस से साबित है। तो अला नाकतिल अजबाई, अपनी ऊंटनी अजबा के ऊपर आप सवार हैं, आप ऊपर बैठे हुए हैं और सामईन नीचे, तकरीबन 1,24,000 का मजमा है, समाज फरमाया। मुर्तिफन उसामा बिन ज़ैदी रजी अल्लाह तआला, आपने अपने पीछे हजरत उसामा इब्न ज़ैद को बैठाया हुआ, आपके पीछे हजरत उसामा इब्न ज़ैद बैठे हुए, और चूंकि मैदान में आप अपने ऊंटनी के ऊपर खड़े हुए हैं, तपती धूप है, तो हजरत उसामा ने अपने कपड़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया था। वो उसामा तो राफ़ऊन अलैहि सौबहु युज़िल्लुहु मिनल हर्र, बैठे बैठे हजरत उसामा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कपड़े का साया कर लिया था। पता ये चला कि अगर जरूरत पड़े तो जरूरत पड़ते वक्त शामियाना वगैरह जलसे के अंदर लगाया जा सकता है, जिससे लोग गर्मी या सर्दी से महफूज रहे। लिहाजा शामियाना लगाना भी और स्टेज लगाना भी हदीस से साबित है। मुर्दिफन उसामा तो ने सही दिन में उसामा तो राफ़ऊन अलैहि सौबहु युज़िल्लुहु मिनल हर्र। अच्छा, वो बिलाल आख़िज़ुन बिक़ौदि राहिलतिही, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु आपकी ऊंटनी की महार पकड़े हुए हैं कि ऊंटनी इधर उधर भागे नहीं। पता ये चला कि अगर कोई आदमी दरमियान में खतीब को पानी वानी पिला दे, कोई खिदमत कर दे, तो ये भी जायज है, इसलिए कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी अजबा की महार पकड़े हुए खड़े हैं। वन्नास बैना कायमिन व काइदिन, और कुछ लोग खड़े हैं कुछ बैठे हैं। पता ये चला कि अगर दौरान तकरीर कुछ लोग बैठे भी हूं और कुछ लोग खड़े भी हूं, उनको खड़ा होना अच्छा लग रहा हो, खड़े होकर सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। वन्नास बैना कायमिन व काइदिन, कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग खड़े हुए थे। वन्नास बैना कायमिन व काइदिन, अब आपने तकरीर फरमाई, फहमिदल्लाह व अस्ना अलैही, आपने अल्लाह की हमद व सना बयान की। पता ये चला कि हर काम अल्लाह तबारक व तआला की हमद व सना से शुरू होनी चाहिए, खास तौर से वाइज अपना वाज, मुकर्रर अपनी तकरीर, खतीब अपना खुतबा, लेक्चर अपना लेक्चर जब शुरू करे तो अल्लाह की तहमीद और उसकी सना के साथ शुरू करे। अल्लाह की आपने तारीफ फरमाई, सना की, और उसके बाद आपने फरमाया पहला जुमला अज़्ज़मान, लोगों सुनो, अज़्ज़मान कद इस्तदार कही अतिहि यौम खलक अल्लाह अस्समावात वल अर्द, जमाना वक्त घूम कर वही आ गया है जिस दिन, उस पॉइंट पर आ गया है जिस पॉइंट के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जमीनों और आसमानों को पैदा फरमाया। इसका क्या मतलब है?
सुन रहे हैं आप लोग, गौर से सुन रहे हैं। आपने फरमाया الزمان قد استدعى كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض, وقت जमाना घूम कर उसी पॉइंट पर आ गया है जिस पॉइंट के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जमाने जाहिलियत में कुफ्फारे मक्का हर साल में 11 दिन को मौखर कर लिया करते थे, पीछे कर लिया करते, 11 दिन को। इस तरह जमानों का पूरा निजाम बिगड़ गया था, महीनों का पूरा निजाम बिगड़ गया था, और 33 सालों के अंदर वक्त उसी जगह पर आकर ठहर गया कि यकीनन वो तारीख जो आप बता रहे हैं कि ये दिन कौन सा है, ये तारीख कौन सी है, घूम करके फिर जमाना वहीं पर आ गया। तो अज़मान कद इस्तदार कहायती यौम खलक अल्लाह अस्समावात वल अर्ध, और आपने फरमाया अस्सनतु इस्ना अशर शहर, महीनों की तादाद कुल 12 है, साल भर में 12 महीने होते हैं। अस्सनतु इस्ना अशर शहर, साल के 12 महीने होते हैं, इनमें 4 हराम के महीने हैं, मिन्हा अरबातुन हुरुमुन, इनमें 4 महीने हराम के हैं, उसमें लड़ाई हराम हुआ करती थी, लड़ना ममनू हुआ करता था, इन 4 महीनों का एहतराम जरूरी था। फरमाया गया सलासुन मुतवालिया, तुम 3 तो पैदर पे हैं और एक आखिर में चल करके है, वरजब मुजारा, बताया गया सलासुन मुतवालिया, ज़ुल्क़ादत वज़ुल्हज्जत वल्मुहर्रम, ये 3 तो मुसलसल है, और वरजब मुजारा अल्लज़ी बैना जुमादा व शाबान, जुमा तनाजर शाबान के दरमियान जो है रजब, वो एक महीना। इस तरह 4 महीने हराम के महीने, और उसके बाद आपने फरमाया बताओ ये कौन सा महीना है, अय्यु शहरिन हादा, लोगों को मालूम है ये कौन सा महीना है लेकिन सब खामोश हैं। जब आपने ये पूछा कि ये कौन सा महीना है तो लोगों ने कहा अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि सहाबे किराम ये समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि महीना हमें भी मालूम है कौन सा महीना है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम है महीना कौन सा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस महीने का नाम बदल कर कुछ और रखना चाह रहे हैं। लिहाजा तमाम सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। एक बात बताऊं, इत्तेबा और इताअत का मफहूम यही है कि नबी अपनी ज़बान मुबारक से जो बोल दें चुपचाप उसे तस्लीम कर लिया जाए, तीलो काल न किया जाए। और एक बात आपसे और कह दूं कि दुनिया की हर शख्सियत से दीन के मसले के बारे में दलील मांगी जाए, कोई मौलवी साहब कोई मसला बताएं, पूछा जाएगा कि आप दलील दें, कोई शख्सियत है बड़ी से बड़ी दीन के मसले को बताएं तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप इसकी दलील दें, इवन आप सहाबी से भी मुतालबा कर सकते हैं दलील का, सहाबी भी पाबंद है कि वो जो बात कहे उसकी दलील दे। सिर्फ एक हस्ती ऐसी है जो सराबा दलील है और दलील से दलील नहीं मांगी जाती, वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सहाबी से भी दलील मांगी जाती है, जी हाँ, हदीस हदीस इसा अमान अभी अम्मार कौल कुल तुरी जैबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु अज़हुर असैदुल हिया करना قال قلت اكلها قرنا قال اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنا رواه الترمذي في كتاب الحج حضرت امام الترمذي رحمه الله اس حدیث پر کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے ابو عمار تابعی ہے تابعی کسے بولتے جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی کسے بولتے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور حالت ایمان کے اندر اور حالت ایمان میں اس موت ہی ہوئی ابو عمار کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا और कहा कि हजरत एक मसला पूछना है, कहा कि पूछो, कहा कि बैजर का शिकार कैसा है, बैजर बिज्जू, एक होता वब गो, एक होता वबोरन, बैजर बिज्जू, बिज्जू का शिकार कैसा है, कर सकते करना, अच्छा फिर वो पूछ रहे हैं आकुलू कैन आई ईट इट, क्या मैं उसको खा सकता हूं, करना मैं खा सकता, अब तो इनको खामोश हो जाना चाहिए ना। साहबी ने मसले का जवाब दे दिया, अब ये पूछ रहे हैं قال قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है,
करना, कहते हाँ बस बात यहीं पर खत्म हो गई। देखिए ये सहाबी से दलील मांग रहे हैं कि ये बात अपनी तरफ से आप कह रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दलील का मुतालबा किसी भी हस्ती से कर सकते हैं, सिर्फ उस जात से जो सरापा दलील, वो बैठे तो दलील, उठे तो दलील, मुस्कुराए तो दलील, वो चले तो शरीयत चले, वो रुक जाए तो शरीयत रुक जाए, जो सरापा दलील होता है उससे दलील नहीं मानी जाती, दलील से दलील नहीं मानी जाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, सुन्नत, कौल, फेल, चीजें आपको चुपचाप मानना है, उसकी इत्तेबा करनी है, आप किलो खाल नहीं कर सकते। यहां तक कि कभी ऐसा लगे कि खिलाफ कयास है, खिलाफ अक्ल, तब भी आपको चुपचाप मानना है। दलील दलील यह हदीस पर वार अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कौल लो कान दीन बिरराय لكان اسفل الخوف اولى بالمسح من اعلاه وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين رواه ابو داود في كتاب الطهاره حضرت امام ابي داود رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو داود شریف کتاب الطهاره کے اندر لائے راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسح نیچے سے کیا جاتا ہے اس لیے کہ گندگی نیچے لگتی ہے اور مسح اوپر سے کرایا جا رہا ہے और वो फरमा रहे मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप खुफ के ऊपर से मोजे के ऊपर से मसा करते थे। वो कदराए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि खिलाफ कयास है, इसलिए कि गंदगी जहां लग रही है वहां नहीं साफ किया जा रहा है, वहां नहीं मसा किया जा रहा है, बल्कि वहां मसा किया जा रहा है जहां गंदगी नहीं लगती है। पता नहीं, उन्होंने कहा कि अगर दीन की बुनियाद राय के ऊपर होती, अकल के ऊपर होती तो मामला इसके उल्टा होता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी चीज भी करें जो ऐसा लगे कि खिलाफ अक्ल है, अक्ल इसको नहीं मानती, चुपचाप हमें मानना है, इसलिए कि इत्तेबा का मतलब यही है कि चुपचाप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दिलाती है तो काल को मान ली जाए, तो इत्तेबा कहते हैं। अगर कोई कहे कि इत्तेबा किसको कहते हैं, इताअत किसको कहते हैं, एक जुमले में जवाब दे दीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को बिला छुओ चला तस्लीम कर लिया जाए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बल्कि एक आयत करीमा तिलावत में कह रहा हूं। आयत करीमा देखिए, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्म ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़यता वयुसल्लिमू तस्लीमा। उलमा बैठे हुए उनको मालूम है कि अगर किसी फेल का मफूल मुतलक जिक्र कर दिया जाए तो उसके अंदर कुव्वत पैदा हो जाती है। जैसे मैं कहूं ज़रबतु, मैंने मारा, तो मार कैसी हुई, ऐसे मार दिया होगा, लेकिन मैंने कहना ज़रबतु ज़रबन, ज़रबतु ज़रबन, मैंने उसका मफूल मुतलक जिक्र कर दिया तो मतलब ये मैं बहुत मारा उसको, बहुत पिटाई की, तो वयुसल्लिमु वो सरेंडर कर दे, मामला यहीं तक होता तो नहीं पता, लेकिन मफूल मुतलक लाया गया युसल्लिमु का, पूरी तरीके से आप अपने आप को सरेंडर कर दे, वयुसल्लिमु तस्लीमा, मुकम्मल तौर से आप नबी के हवाले अपने आप को कर दे। ये है इत्तेबा का मफहूम, ये है इताअत का मफहूम। आपने फरमाया कौन सा महीना है, कुलना अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया क्या ज़िलहिज नहीं है, कुलना पता क्यों नहीं, साबिक राम कह रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का नाम कुछ और रखना चाहे। फिर आपने फरमाया अयु बलद हादा, ये शहर कौन सा, सबको मालूम है बलद हराम है, मक्का है। साबिक राम ने कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर का भी नाम कुछ दूसरा रखना चाह रहे हैं। आपने फरमाया क्या ये बलदा नहीं है, बलद हराम मक्का नहीं है, कुल बला लगने से बेहतर से। आपने फरमा फायदा मिन हादा, अब बोलो महीना तो ये है और इसी तरीके से शहर ये है, दिन पूछ रहा हूं फायदा मिन हादा, व्हिच डे इज दिस, कौन सा दिन है ये। तो सहाबे किराम ने याद फरमाया अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। और बीच बीच में आप रुक जा रहे थे, फसकत आप रुक जा, सवाल करके रुक जाते थे, इसका मतलब है मुकर्रर को दरमियाने तकरीर कहीं कहीं सुकूत करना चाहिए ताकि सामने वाला अगर कोई बात ग्रेस्प नहीं कर पा रहा है, किसी बात को पकड़ नहीं पा रहा है, तो खतीब उस दौरान जिस दौरान में वो सुकूत कर रहा है शायद सामी उसको ग्रेस्प कर सके, उसे जहनशीन कर सके। आपने फरमाया कौन सा दिन है ये, लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया क्या ये यौम नहर नहीं है, नहर का दिन नहीं है, कुल्ला बला हाँ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, यौम नहर ही। अब आपने फरमाया सुनो फ इन दिमागकुम व अमवालकुम
कार मोहम्मद अल-मखरूकान मोहम्मद कहते हैं मेरा ख्याल आपने ये भी कहा क्या वआराज़ा तीन चीजें एक मुसलमान का माल एक मुसलमान के ऊपर एक मुसलमान की आबरू एक मुसलमान के ऊपर एक मुसलमान का खून एक मुसलमान के ऊपर इसी तरह हराम है जैसा कि ये दिन हराम है जैसा कि ये महीना हराम है जैसा कि ये शहर ये मक्का ये बलद हराम अल्लाह आज एक मुसलमान की इज्जत और आबरू का लिहाज नहीं करता एक मुसलमान के हाथों एक मुसलमान का कत्ल हो जाता खून बह जाता इसी तरीके से एक मुसलमान का माल एक मुसलमान नाजायज तरीके से ले लेता है जबकि एक मुसलमान का माल एक मुसलमान के ऊपर एक मुसलमान की आबरू एक मुसलमान के ऊपर एक मुसलमान का खून एक मुसलमान के ऊपर इसी तरह हराम है जिस तरीके से ये शहर हराम है ये महीना हराम है और ये दिन हराम है यह अजमत है एक मुसलमान के माल की यह अजमत है एक मुसलमान के खून की यह अजमत है एक मुसलमान की आबरू लिहाजा आपने बताया कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान का माल नाजायज तरीके से न ले खून न बहाए किसी मुसलमान की इज्जत और ऊपर हाथ न डाले कितनी प्यारी बात है मैंने गौर किया इस पूरे खुतबे के ऊपर तो मुझे तीन बातें नजर आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीजों को हदफ बनाया है टारगेट बनाया है अपनी गुफ्तगू का एक है निजाम इज्तिमाई कि एक मुआशरा सवाले कैसे बनता है अच्छा कैसे बनता है अरे जिस मुआशरे के अंदर जिस सोसाइटी में जिस शहर में जिस मुल्क में एक आदमी का खून एक आदमी मोहतरम न समझे एक आदमी का माल महफूज ना हो उस जगह एक आदमी का माल महफूज ना हो जाहिर है कि ऐसा मुआशरा सवाले मुआशरा कैसे हो सकता है ऐसा मुआशरा एक अच्छा मुआशरा कैसे हो सकता है तो इन तीन चीजों का खास ख्याल रखा जाए खून आबरू और माल ये इस तरह हराम है जिस तरीके से ये तीनों चीजें हराम उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर को आगे बढ़ाते हुए फरमाया अब मैं और बोलता हूं सुनो मेरे बाद तुम गुमराह मत हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो आज देखो एक मसलक दूसरे मसलक वालों के बारे में कहता है कि सहाबी को नहीं मानता ये वलियों की तौहीन करता है ये अल्लाह को नहीं मानता ये नबी को नहीं मानता इस तरीके का इंतशार जो फैलाया जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था खुतबे के अंदर हज्जतुल वदा में कि देखो ऐसी हरकत नहीं करना एक दूसरे की गर्दन नापने लगो एक दूसरे की गर्दन मारने लगो ये इस लायक नहीं कि मुसलमान कहा जाए ये दायरे इस्लाम से खारिज है मुसलमान ही नहीं नबी को नहीं मानता सहाबी को नहीं मानता औलिया की तौहीन करता है ये सारी खास कॉन्स्पिरेसी है ये और जिन लोगों के बारे में ये सब कुछ कहा जा रहा है मैं तो कहता हूं कि कायनात का सबसे बड़ा जुर्म है के बारे में ऐसी बातें कही जा रही जिनके दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मामूर जिनके दिलों में सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमत कूट कूट कर भरी हुई औलिया कराम का एहतराम जिनके दिलों के अंदर भरा हुआ अइम्मे इज़ाम की मोहब्बत उनके दिल के अंदर भरी हुई उनके बारे में सब कुछ कहा जाए अला चेक तो करें उनको देख ली तो उनका मनहज क्या है उनका मसलक क्या है उनका तरीका क्या है आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो जो कुछ सुने उसको बयान करता फिरे और उसको ऊपर अमल करता फिरे आपके पास से कोई बात आए तो आप उसकी तहकीक कीजिए और आप खुद चाहें ये नहीं
चलिए एक हदीस इसको प्रूव कर देता हूं, हदीस हदीस इस तरह बहुत प्यारी हदीस है। وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادتنا। मैं बुनियादी तौर पर मैं अरबी का अरबी अदब का तालिबे हूँ बेसिकली, और हदीस देखिए एक सफ़े की है जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब किताब निकाह के अंदर लाए, मैं पूरी बात पढ़ा। وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادت النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها وقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنب يوم اخر قال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال الاخر انا اصوم الدهر فلا افطر وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح حضرت امام البخاري اس پوری روایت کو ایک صفحے کے اندر اس صفحے کے اوپر بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر لایا راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں ازواج مطہرات ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں باہر کی عبادت تو وہ لوگ دیکھتے ہی تھے مسجد میں آپ کیا کر رہے ہیں مسجد میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں گھر کی عبادت پوچھنے کے لیے آئے اور جب امہات المومنین نے گھر کی عبادت کے بارے میں بتایا تو انہیں کم لگا ادھر معمولی عبادت کر لیتے ہیں اور پھر انہوں نے تعلیم ہی کری ارے ہم کہاں اور نبی کہاں وہ اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی ادب کا ایک اسلوب ہے بولنے کا جیسے کہا جائے کہ اینا سریا من السارا کہاں زمین کہاں آسمان تو وہ اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں اور نبی کہاں قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہے تو آپ اگر کم بھی عبادت کریں تو چل چلنے والا ہے چل جائے گا لیکن ہم لوگوں کو چونکہ ہم امتی ہیں ہمارے اگلے پچھلی خطائیں تو معاف نہیں ہیں لہذا ہم لوگوں کو زیادہ ہی بات کرنی چاہیے تو ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا اور رات رات بھر عبادت کروں گا سوؤں گا ہی نہیں ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا بیچ میں گیپ ہی نہیں کروں گا ایک نے کہا میں بیوی بچوں کو جھنجھٹ ہی نہیں پالتا اللہ کی طرف یسو ہو جاتا ہے اب دیکھیے کیا مسلسل رات بھر عبادت کرنا کوئی برا کام ہے مسلسل روزے رکھنا وہ اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنا ہے کوئی برا کام ہے اور بیوی بچوں کو چھوڑ دینا یا اسی طریقے سے بیوی بچوں کا جھنجھٹ ہی نہیں پالنا اللہ کے لیے یہ کوئی برا کام ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو تینوں یہ کہہ کر کے گئے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم آپ دیکھ رہے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چل کر آئے ادب کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ حدیث کے جملے کا کیا مطلب ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم ان کے پاس اب چل کر آئے اور پوچھا فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے کہا کہ ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اما والله الا اخشاكم لله میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بات کہا اور تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں دیکھیں تقوی یہ نہیں ہے کہ رات رات بھر عبادت کی جائے تقوی یہ نہیں ہے کہ مسلسل روزے رکھے جائیں تقوی یہ نہیں ہے کہ بیوی بچے نہ رکھے جائیں شادی نہ کی جائے تقوی یہ ہے کہ نبی جو عمل کریں چپ چاپ اس کے اوپر آدمی عمل کرتا جائے یہی تقوی ہے نہیں تو یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور بہت بڑے عمل کی طرف جا رہے تھے آپ نے فرمایا تم نے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا بات قاکم لہو تم نے سب سے زیادہ متقی ہوں لیکنی اصوم و افطر میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں وہ اسلی بات کو میں نماز پڑھتا ہوں سوتا بھی بات سب جو نساء میں عورتوں سے شادی نہیں کرتا ہوں تمہیں تو صرف جاگ کی اجازت ملتی کئی بھی ہیں فمر رغب عن سنتی فلیس زمینی جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے پتا یہ چلا کہ تقوی یہ ہے اور اللہ کی خشیت یہ ہے کہ نبی کے طریقے کو فالو کیا جائے چپ چاپ اپنی طرف سے نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے اپنی طرف سے نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں میں حدیث حدیث کے ساتھ
وعن نافع أن رجلا أتصى إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر ما نقول الحمد لله والسلام على رسول الله فليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال رواه الترمذي في كتاب الأدب حضرت إمام الترمذي رحمه الله इस हदीस पाक को ऐसे ही तिर्मिज़ी शरीफ किताब अदब के अंदर रावी हजरत नाफे देखो हमारे यहाँ सनद होती है ना सनद तो पढ़ाई जाती है चाहे वो किसी भी मसल के हों शवाफे हों अहनाफ हों अलहमदुल्ला पढ़ाया जाता है उनका बुखारी शरीफ है नमाजी शरीफ कुतुब सित्ता है सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है तो पहले सनद होती है और वैसे भी जब खत्म बुखारी का मामला होता है खत्म बुखारी का वक्त होता है तो बाकायदा सनद वो आखिर तो पढ़ाई जाती है हजरत अपने से लेकर वो बुखारी का मतलब मैंने एक तकरीर के अंदर अपने से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी सनद मुज़बानी बयान कर दी जी आपने तो सुना होगा इंटरनेट के ऊपर है जी तो आमतौर पर सनद इस तरह जिक्र की जाती है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस तरह जिक्र करते हैं यार बिल मुज़नी अन शाफी अम्मा लेकिन अन्ना फैन अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु देखिए हर एक रावी अपने उस्ताद से रिवायत कर रहा है इस रिवायत को मुत्तसिल सनद रिवायत कहते हैं यानी हर एक अपने उस्ताद से रिवायत करता है बीच में इनखता नहीं है तो इमाम मुज़नी की बात करते हैं अपने उस्ताद इमाम शाफी से इमाम शाफी की बात करते हैं अपने उस्ताद इमाम मालिक से इमाम मालिक की बात करते हैं अपने उस्ताद इमाम नाफे से हजरत इमाम नाफे की बात करते हैं अपने उस्ताद मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये लिंक है जी तो हजरत नाफे ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हैं वो बयान करते हैं को हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग तो आपके पास एक आदमी बैठा हुआ था अचानक मुझे छींक आई अतसत छींक छींक मारा उसने तो कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फौरन डांट गया कहा कि काल उमर माना अकूल अल्हम्दुलिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह मैं भी बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह लेकिन छींक के मौके पर वलीस हकदा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमना नकूल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व सलाम अला रसूलिल्लाह माने जोड़ा है हालांकि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना और दरूद भेजना का बुरा काम है लेकिन चूंकि वो मौका नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मौके पर जितना बताया उतना ही कर रहा है यही इत्तेबा यही था ना घटाइए ना बढ़ाइए तो जी तो ये तो प्रूफ हुआ तो अला फला तरजू बादी सुल्लाल लम यजरिब बादी रिकाबा देखो मेरे बात तुम लोग गुमराह मत हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो आज के लिए हो रहा है आज के लिए हो रहा है अरे बाप लोगों ने तो ये कहा कि ये इस लायक है आतंकवादी है बोलते हैं तो पाकिस्तान भेजो या इनको जेल भेजो कितनी गलत बात हमारे यहाँ तो एक मस्जिद बनाने दी है मस्जिदें बना हुआ इंटरनेट के ऊपर मौजूद है यस भी किस कदर बिगड़ा हुआ है कि हमारे हिंदू महल्ले के अंदर अगर कोई ऐसी बात होती तो हम मस्जिद बनाने की इजाजत देते हम कोई तकलीफ नहीं और तुम मुसलमान हो तुम मस्जिद बनाने नहीं दे रहे हो अल्लाहु अकबर अला फला तरजू बादी सुल्ला लम यजरिब बादी रिकाब बस देखो मेरे बात तुमको बुरा मत हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगना उसके बाद आपने फरमाया वसतलकौना रब्बकुम अन करीब तुम अपने रब से मिलने वाले हो बस लोग ये सब हरकतें इस वजह से करते हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया ही रहना है कुछ पैसे मिल जाएंगे लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी एक हरकत रिकॉर्ड की जा रही है वसतलकौना रब्बकुम अन करीब तुम अपने रब से मिलने वाले हो तुम्हारी हरकतों के बारे में तुम्हारे अमाल के बारे में मुकम्मल पूछताछ होने वाली है तुम क्या कर रहे हो बस तलको नरबको फयस अलुकमाना अमाल तुम्हारे अमलों के बारे में पूछा जाएगा तो सवाल आपने फरमाया अला जिनी जाने इल्ला नफ्स कोई अगर जुल्म करने वाला है तो अपने नफ्स को जुल्म करता है क्या मतलब खता कोई करे सजा किसी को मिले ऐसा नहीं है हमारे न दुनिया में और ना आखिरत में दुनिया में मुजरिम को ही सजा दी जाए जुर्म कोई करे सजा किसी को मिले ऐसा ही नहीं है और वाला नहीं है बाप अपने बेटे के ऊपर जुर्म ना करे और बेटा अपने बाप के ऊपर जुर्म ना करे कितनी प्यारी तालीम है सबसे गहरा ताल्लुक एक आदमी का अपने बाप से होता है अपनी मां से होता है तो उनके ऊपर जुर्म करने का मतलब क्या है बेटा अपने बाप के ऊपर जुल्म करे बेटा अपनी मां के ऊपर जुल्म करे का मतलब यह है कि उनके बुढ़ापे के अंदर उनको बेयार मददगार छोड़ो उन्होंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान कर दिया तो एहसान का मतलब एहसान से होना चाहिए बेयार मददगार छोड़ देना ये तो सारा से जुल्म है और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि बेटा अपने बाप के ऊपर जुल्म करे अपनी मां के ऊपर जुल्म करे तो ना तो बाप अपने बेटे के ऊपर जुल्म करे ना बेटा अपने बाप को
बाप अपने बेटे के ऊपर जुल्म करने का क्या मतलब, उसे अच्छी तालीम न दे, उसे आवारा घूमने दे, उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश ना करे, ये बेटे को ऊपर जुल्म। दोनों को पाबंद कर दिया कि दोनों अपने हुकूक का ख्याल। अला ला यजनी जान इल्ला अला नफ्सी वला यजनी वालिदुन अला वलदी वला वलदुन अला वालिदी। आगे फरमा अला इन्नल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान एक मुसलमान का भाई है। अल्लाह हू अकबर, यहां जितने बैठे हुए हमारा इनसे रिश्ता है, हमारे पास बैठे हमारा इनसे रिश्ता है, पास में बैठे हमारे इनसे रिश्ता है, ये राबता और अलाका एक रिश्ता है हमारे दरमियान, और इतना गहरा तो खून के रिश्ते से भी बुलंद है, ये इस्लाम का रिश्ता है। अला इन्नल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, आज तक आ गया, एक इस्लाम वाला एक इस्लाम वाले का भाई है, गोया कि ईमान और अकीदे और इस मजहब ने इस्लाम ने हमको एक धागे में बांध दिया, जैसे तस्बीह के धागे होते हैं इस तरीके से तस्बीह के धागे के अंदर मुसल वो दाने होते हैं, तो एक धागा है, उस धागे के अंदर ये तमाम के तमाम दाने पिरोए हुए, और ये रिश्ता है, ये जो धागा है ये सारे दानों को जोड़े हुए है। इसी तरीके से ये जो इस्लाम ईमान और अकीदे का जो रिश्ता है एक मुसलमान का एक मुसलमान के साथ, ये सबसे गहरा रिश्ता है, खून के रिश्ते से भी बनता है, खून के रिश्ते से बनता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर एक दफा कहने लगे बाद में, जब मान लें कहा कि अब्बा जंग बदर के अंदर आप मेरे टारगेट पे आ गए, मैं चाहता तो आपको मार सकता, मैं आपको कत्ल कर सकता था, मुकम्मल आप मेरे निशाने पर, लेकिन मैंने समझा मेरे बाबा मैंने आपको नजरअंदाज कर दिया, कहा खैर मना बेटा तुम मेरे टारगेट नहीं आया, रब काबा की कसम अगर तुम मेरे टारगेट पे आता तो मैंने देखता तो मेरा बेटा मैं तुझे मार देता। पता ये चला कि इस्लाम का रिश्ता, ईमान का रिश्ता, अकीदे का रिश्ता, ये सबसे गहरा रिश्ता होता है। खुदा के लिए इस रिश्ते को जबह मत कीजिए, इस रिश्ते को खराब मत कीजिए, ये बड़ा गहरा रिश्ता होता है, और अल्लाह उसके रसूल ने इस रिश्ते के अंदर हमको पिरोया। आप कौन होते हैं इस धागे को काटने वाले और तस्बीह के दानों को बिखेरने वाले, ये जुल्म नहीं है कि धागे को काट दिया जाए तस्बीह के दाने बिखर जाए जिसे अल्लाह उसके रसूल ने जोड़ा था। अला इन्नल मुस्लिम अखुल मुस्लिम फलैस यहिल्लु लिमुस्लिम मिन अखीही शैउन इल्ला मा अहल्ला मिन नफ्सिही। मुसलमान का माल नहीं ले सकते आप इतना ही जितना वो आपके लिए हलाल कर, जितना उसकी तरफ से हलाल कर दिया गया आगे फरमाया गया अला। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इस खुतबे के अंदर लगता है तीन बातों को काफी टारगेट किया गया, एक तो निजाम इज्तिमाई कि हमें रहना किस तरीके से, और एक सियासी निजाम, सियासी निजाम खून आबरू और माल, ये तीनों चीजें महफूज हो जाए सियासत आला दर्जे की, सियासत खराब वही होती है जिसके अंदर ये तीनों चीजों का लिहाज न रखा जाए, आदमी का माल महफूज ना रहे कौन सी सियासत, आदमी का खून महफूज ना रहे जान महफूज ना रहे कौन सी सियासत, आदमी का आबरू महफूज ना रहे कौन सी सियासत। तो निजाम इज्तिमाई के ऊपर इस पर जोर दिया गया, निजाम सियासी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, निजाम इज्तिमाई और निजाम सियासी। और आगे फरमाया गया अला वइन्ना कुल रिबन फिल जाहिलियत मौजूद, जितनी रिबा की सूरतें हैं सूद की, और मैं आपको बता दूं कि सूद इतना खतरनाक अमल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके 73 अक्साम हैं, इनमें सबसे छोटी किस्म सबसे छोटा दर्जा अय्यन के हर रजुल उम्मुहु, आदमी अपनी मां से निकाह करने के मसाबे में है के मतलब, और इससे बड़ा सूद क्या है, इस सूद से भी बड़ा सूद भाई ना अरबर रिबा इर्जुर रजुल मुस्लिम, इर्जुर रजुल मुस्लिम किसी मुसलमान का आदमी की इज्जत के ऊपर हमला करना, ये सबसे बड़ा सूद है। तो यहां बताया गया कि सूद इतना खतरनाक है, आपने फरमाया सूद को क्यों हराम किया गया मालूम है, इसमें तमाम के तमाम इंसान तबकों में बढ़ जाते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। और अगर इंसान गौर से सुनिए, सूद को अगर जायज कर दिया जाए तो लोग तबकात में बढ़ जाते हैं, यकून निजामु तबकीयन, तब निजाम तबकाती हो जाता है, लोग मुख्तलिफ तबकों में बढ़ जाते हैं, ये गरीब या अमीर, और इस सूरत में अमीर अमीर तरीन होता चला जाता है और गरीब गरीब तरीन होता चला जाता है, भूखों मरने लगता है,
कितनी खतरनाक बात है। तो ये सूद का जो निजाम है ये लोगों को तबकात में बांट देता है, और जाहिर है कि कोई मुआशरा अगर तबकात में बटा हुआ हो वो अच्छा मुआशरा नहीं होता। एक तो इंतफा कर रहा है और दूसरा बेचारा यूज किया जा रहा है, एक यूजर एक यूज्ड है। जाहिर है कि ये तबकाती निजाम आगे चल करके बहुत ही खतरनाक नताइज से इंसानियत को दुचार करने वाला है। आपने फरमाया कि हर किस्म का सूद मैं हराम करता हूं, और आपने नहीं कहा मैं हराम करता हूं, अपने पैर के नीचे कुचल दे रहा हूं। ये ताबीर है, खूबसूरत ताबीर है, मैं कहता पैरों के नीचे कुचल दे रहा हूं, ताकि कदम ही मौजूद मेरे कदम के नीचे हट दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके से सूद जायज नहीं। आज लोग पूछते हैं मौलाना अगर ऐसा कर लिया जाए, अरे भाई सबसे बड़ा मुफ्ती तो आपका दिल है, आप देखिए ना कि अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मौलाना से आप खुद सुधरिए, आप कानून के अंदर लचक क्यों चाह रहे हैं? आप कानून के अंदर लचक चाह रहे हैं, आप खुद आप अपने अंदर लचक नहीं पैदा कर रहे। आप चाह रहे हैं कि कानून के अंदर लचक पैदा हो और मौलवी साहब को ऐसी सूरत निकाल दें जिससे आपका मामला हल हो जाए। तो हाउस लोन लेना मौलाना कैसा है, तो फला काम का ये सब तीलो काल है, जानते हैं यहूदी इसी तीलो काल की वजह से दबाव बर्बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह यहूदियों पर लानत करे कि जब उनके ऊपर चर्बी हराम की गई तो चर्बी तो नहीं खाया उन्होंने, चर्बी बेच कर तो उसकी कीमत खा गए। ये हीला है, इस तरह हीले में किस तरह। तो जितनी भी सूद की सूरत है सब की सब हराम कर दी गई है। तुम अपना रसूल मान लो, ना तुम लोगों सो मान लो, ना तुम सिर्फ मोरल की बात, तुम्हारे जो रसूल माना सब ना बोले। और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का सूद रद्द करता हूं, कैंसिल करता हूं, अपने पैर के नीचे रहता हूं। एक नुक्ता यह मिला कि तबलीग अपने घर से शुरू होनी चाहिए, तबलीग अपने घर से शुरू होनी चाहिए। और एक नुक्ता यह भी मिला, अगर जरूरत हो तो सामईन में बैठे हुए किसी आदमी का नाम भी लिया जा सकता है। आपने फरमाया कि सबसे पहले मैं सूद को कलदम करार देता हूं और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का सूद पहले रख करता हूं मेरे चचा। तो तबलीग अपने घर से शुरू, आप अपने नफ्स पर पहले तबलीग कीजिए, आप सुधर गए, आपका पूरा घर सुधर गया, बेटी सुधर गई, बेटा सुधर गया, भाई लोग सुधर गए। अब महल्ले के अंदर आप देखिए किस तरीके से स्टेप्स है। तो तबलीग अपने घर से शुरू, मैं बस तरीक का सूद माफ करता हूं, खत्म करता हूं। और आपने फरमाया और सबसे पहले मैं खून को अपने जो जमाने जाहिलियत के खून के पैरों तले रखता हूं, सबसे पहला खून जिसे मैं अपने कदमों तले रौंद रहा हूं जाहिलियत के खून, वो हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का है जो बनू लैस के अंदर दूध पी रहा था और हुज़ैल ने उसको कत्ल कर दिया था। मामूली बात पर बरसों लड़ाइयाँ चलती रहती थी और तरफ़ैन के बेशुमार लोग कत्ल कर दिए जाते थे मामूली बातों के ऊपर। हुज़ैल ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया था, भाई औरतें नफरतें बढ़ रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उस खून को माफ करता हूं। और आपने फरमाया अला वस्तौसु बिन्निसाए खैरन फइन्नमा हुन अवानिन इंदकुम, आपने फरमाया मैं नसीहत कर रहा हूं, वसीयत कर रहा हूं कि औरतों के साथ तुम अच्छा सलूक करोगे, औरतों को बिला वजह सताओगे नहीं, औरतों को बिला वजह मारोगे नहीं। बाज औरतें जरा कबूल सूरत नहीं होती लेकिन कबूल सीरत होती, तो अगर कबूल सीरत ना मिले, कबूल सूरत ना मिले तो कबूल सीरत को अल्लाह का इनाम समझो। इसलिए कि किसी शायर को तो चका है कि हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं आंखें, उससे खुश होता है दिल। तो आप कबूल सूरती को प्रीफरेंस ना दे करके आप कबूल सीरती को प्रीफरेंस दीजिए और इनको मत सताइए। मेरी ये वसीयत है उनके साथ तुम खैर का बर्ताव करो। क्यों? फइन्नमा हुन्न अवानिन इंदकुम, आनिया के आनिया की जमा है अवानिन, अल आनिया अय असीरा, असीरा में कैदी, ये औरतें तुम्हारे पास कैदी हैं। या कैदी कहकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जाब्ता बता दिया है। देखिए
कि जेल का खाना वैसा ही होता है जैसा जेलर चाहता है। शौहर की जितनी ताकत है, जितनी इस्तेदात है, जैसा वो खाना मुहैया कर पा रहा, अफोर्ड कर पा रहा, बीवी को उसी पर गुजारा करना चाहिए। एक नुकता तो ये मिला, ज्यादा मुतालबा नहीं करना चाहिए। और दूसरी ये कि कैदी का एक मखसूस लिबास होता है जो जेल वाले मुतय्यन करते हैं। शौहर जो कपड़ा अफोर्ड कर सके वो कपड़ा आप पहने, शौहर से उससे ज्यादा मुतालबा न करें। दूसरे ये कि जेलर जो भी जायज चीजें कहे वो कैदी को मानना है। ऐसे ही शौहर जो भी जायज चीज अपनी बीवी से कहे, जो कुरान हदीस के खिलाफ ना हो, किताब सुन्नत के खिलाफ, चुपचाप उसे मान लेना चाहिए, इसलिए कि वो कैदी है। यहां कैदी कहा गया उसको असीर। अब कैदी का लफ्ज आप अपने तसव्वुर में ला करके आप देखिए कि आपका हक उनके ऊपर क्या है, उनके हकूक आपके ऊपर क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ, आप इसके अलावा और किसी चीज के मालिक नहीं। إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, आप उनको मार नहीं सकते, इल्ला ये कि वो कोई गलती करें तो उसके स्टेप्स हैं। فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, पहले ये कि मिस्तरे अलग कर दो, उन्हें समझाओ, और न मारे तो फिर मारो, लेकिन मार कैसी, وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ, टूट फूट वाली मार नहीं होनी चाहिए। فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, अगर वो फिर मान लें तो फिर उनके पीछे खामखा उसमें कीड़े मत निकालते बैठो, तूने ऐसा किया तो तूने वैसा पहले किया था, मान गई ना। فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ, आगे आपने फरमाया अला इन्न लकुम अला निसाइकुम हक्कन सुल्लो, तुम्हारा तुम्हारी बीवियों के ऊपर हक है। क्या हक है? और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों का हक है, तुम्हारा हक उनके ऊपर, उनका हक तुम्हारे ऊपर। अब तुम्हारा हक उनके ऊपर क्या है वो बताया जा रहा है। तुम्हारा हक बीवियों के ऊपर यह है कि फला यूतियन्न फुरुशकुम मन तकरहुन, तुम्हारे बिस्तरे पर गैर को ना आने दें। एक वला याज़न्न फी बुयूतिकुम लिमन तकरहुन, जिनको तुम नापसंद करते हो उनको घरों में मत आने। फला रिश्तेदार मेरे घर में नहीं आना चाहिए, क्या हुआ तुम्हारा रिश्तेदार लेकिन मेरे घर में नहीं आना चाहिए। तो औरत को चाहिए इसको माने, जिस आदमी का घर में आना शौहर को नागवार गुजरता हो, ना पसंदीदा हो, औरत को चाहिए तो उसको घर में मत आना। एक बात तो यह हक, इसके बाद फरमाया गया अम्मा हक्कुकुम अला निसाई, ये हुआ अला वैन हक्कहुन्ना अलैकुम, उनके हुकूक तुम्हारे ऊपर क्या, अब तो हुसनु इलैहिन्न फी किस्वतिहिन्न व तुआमिहिन्न, अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनो। अतुहसिनु इलैहिन्न फी किस्वतिहिन्न व तुआमिहिन्न, अच्छा पहनो अच्छा खाओ अपनी इस्तेदात के मुताबिक। ये हुकूक बयान कर दिए गए इसलिए कि शौहर और बीवी इन्हीं दोनों से मुआशरा बनता है। अगर इन्हीं दोनों के अंदर तकरार और झगड़े होते रहे पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद होकर के रहता है। इसी वजह से शैतान सबसे ज्यादा शाबाशी किस शैतान को देता है, उस शैतान को जो मियां बीवी के दरमियान झगड़ा लगा देता, झगड़ा लगा देता है। और आगे आपने फरमाया सर आपने ऊपर उठाया, तुम रफारासहु इलस्समाई, आपने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया। एक नुक्ता यह मिला कि तकरीब के दौरान आदमी इशारा कर सकता है सर के जरिए, हाथ के जरिए, जिस तरीके से चाहे इशारा कर सकता है। तुम रफारासहु इलस्समा अल इशारा इंद खुतबा इंद खिताबा, तकरीब के वक्त इशारा ये जायज कर सकता है। तो तुम रफारासहु इलस्समा, आपने आसमान की तरफ सर उठाया और फरमाया अला हल बल्लगतु अला हल बल्लगतु, क्या मैंने पहुंचा दिया, क्या मैंने पहुंचा दिया। इसका मतलब यह है कि कयामत के दिन नबियों से अपने उम्मतियों के बारे में पूछा जाना है और उम्मतियों से अपने नबी के बारे में पूछा जाना है। अल्लाहू अकबर, उम्मती से पूछा जाएगा उम्मतियों से कि ये तुम्हारे दरमियान गए थे, नबी के बारे में पूछा जाएगा, अरे कौमें कह देंगी ये नहीं आए थे, ऐसी बदमाश उम्मतें रहेंगी, अपने नबी के बारे में कह देंगे हम जाते हैं कौन है आया ही नहीं, तो बुलाया जाएगा उम्मत मोहम्मदिया को चल करके गवाही दे कि हजरत ने लोग अपनी कौम के पास गए थे कि नहीं, तो उम्मत मोहम्मद यह गवाही देगी कि ये लोग गए थे, ये हजरत ने गए थे। तो पूछा जाएगा तुम्हें कैसे मालूम, कहा कि तेरी किताब के जरिए मालूम, तेरे नबी ने बताया और तू सच्चा तेरा नबी सच्चा।
उम्मत नहीं हो सकती, उनकी उम्मत से पूछा जाए और नबी से उनकी उम्मत के बारे में सवाल किया जाए। आपने उन तक पैगाम पहुंचाया कि नहीं? इस वजह से आपने अला हर बल्लम तू, मैंने पहुंचा दिया, गवाह रहो, कहीं ये मत कह कर मैंने पहुंचाया नहीं। अला हर बल्लम तू, अला हर बल्लम तू, पहुंचा दिया। सबों ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने पैगाम पहुंचा दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आपको होना भरा हो गया। एक नुकता यह भी मिला कि किसी आदमी के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दी जाए तो उस जिम्मेदारी से अच्छी तरह होता भरा हो और उसके बाद आदमी एक साई ऑफ रिलीफ लेता है, मीनार का सांस लेता है, हा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी अब कन्नों से उतर गई। अला हल बल्लम तो, अला हल बल्लम तो, क्या मैं पहुंचा देगा? अब एक जिम्मेदारी और, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अब मेरे बाद कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है, मैं खातमुन नबी ही हूं, अल्लाह ने फरमा दिया है सूरह अहज़ाब पर, मेरे बाद कोई नबी आने वाला, तो अब तबलीग की जिम्मेदारी उम्मतियों को है, वो तबलीग करे। यहां सारे लोग आए नहीं है, तो जो लोग यहां मौजूद हैं, जो गैर मौजूद हैं, उन तक ये बात पहुंचा देंगे, मौजूद गैर मौजूद लोगों को ये सारी बातें पहुंचा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जुमले के ऊपर अमल इस वक्त हो ही रहा है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें उस वक्त फरमाई थी, मैंने पहले अरबी में आपके सामने पेश कर दिया, उर्दू में आप तक पहुंचा रहा हूं, तो बहुत बड़ी सआदत की बात है, मेरी भी, मेरे लिए भी बहुत बड़ी सआदत है, और आप हजरत तशरीफ लाए हैं, आपके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। आपने फरमाया कि एक बात आदमी के पास पहुंचती है तो जो पहुंचा रहा है उसे वो नुक्ता मालूम नहीं होता, जिसके पास पहुंचाया जाता है उस बात को उसके अंदर से नुक्ता निकाल लेता है। फलाल्ला बाज़ा मन यब्लुहु अन यकुन अव्वल मिन बाद मन समिया, हो सकता है कि बयान करने वाला वो नुक्ता न समझ सके, वो नुक्ता उसके जहन में ना आए, या उससे इस्तिदलाल ना कर सके, जिसके पास पहुंची है वो हदीस उससे कोई नुक्ता निकाल दे। उसके बाद आपने फरमाया नस्सरल्लाहु इमरान समिया मकालती फबल्लगहा, अल्लाह उस आदमी को तरोताजा रखे, नजरा दे, नजरा का मतलब होता है नजरा का एक मतलब होता है जन्नत, जन्नत जी। अल्लाह ने फरमाया नहीं सूरह इंसान के अंदर वलक्काहुम नजरतम वसूर, अल्लाह उनको नजरा अता करेगा और सुरूर अता करेगा। तो नजरा का मतलब एक ले लो चेहरे का हुस्न, चेहरे के अंदर बशाशत रहेगी, और सुरूर का मतलब दिल के अंदर खुशी होगी। वलक्काहुम नजरतम वसूर, एक जगह फरमाएगा नजरतन नईम, नजरतन नईम जन्नत का नजरा, यानी आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में जन्नत की दुआ दी कि अल्लाह उसको जन्नत दे, दुनिया में भी एवरग्रीन रखे, तरोताजा रखे, और आखिरत में भी उसको नजरा अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए। किस बात पर? समिया मकालती, मेरी बात सुने, इसका मतलब यह है मेरी बात सुने, सुनने के बाद उसकी तबलीग करे। फबल लगा, यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के लिए जन्नत की दुआ फरमाई है और चेहरे की बशाशत की दुआ फरमाई है, एवरग्रीन होने की दुआ फरमाई है, जो आदमी नबी की बात सुने। सवाल यह है कि नबी की ज़बान मुबारक से क्या निकला? दो चीजें निकली, एक कुरान एक हदीस। आइए प्रूफ कर लेते इस बात को। हदीस हदीस इस तरह وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تزلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض رواه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم حضرت امام حاكم رحمه الله اپنی حدیث کی استاد مستدرک الصحیح میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت ہے اور الفاظ مستدرک الصحیح کے راوی حضرت ابو هريره ہیں حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے یعنی انہی دونوں کو مضبوطی سے ہمیں پکڑنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو باتیں بیان فرمائی ہیں قرآن اور ایک حدیث حدیث یہ چیز بات تو جو ان دونوں کی تبلیغ کرے گا میرے لیے اس کی میری دعا ہے اس کے لیے کہ وہ تر و تازہ رہے چہرے کی بشاشت اس کے لیے دل کا سرور ہو آنکھوں کا نور ہو اور قیامت اس کو جنت ملے میدان حشر کے اندر وہ تر و تازہ رہے کبھی مرجھائے نہ یہ دعا ہے سمیع مقالتی میری بات سنے فبلغہا یہ ہاں کی زمین مقالہ کی طرف لوٹ رہی ہے مقالہ کا مونتا سے اس کی طرف لوٹ رہی ہے جو میری بات سنے اور اس کی تبلیغ کرے
فرب حامل فقه غیر فقه. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث یاد ہوتی ہے ان کو لیکن دوسروں تک پہنچا دے تو اس کے اندر سے وہ ساری چیزیں نکال سکتے ہیں, وہ فقی نہیں ہوتے. وَرُبَّ حَامِلِ فِقِهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ, جس کے پاس پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہو, وہ زیادہ اس کے اندر سے مسئلے نکال لے. اس کے بعد فرمایا گیا ثلاث لا یقل علیہ نقل مومن, تین باتیں انسان مومن مضبوطی سے پکڑے گا, تین باتیں ضرور کرے گا, دل میں اپنے اس کے تعلق سے کوئی کھوٹ نہیں رکھے گا. کیا تین چیزیں؟ اخلاص عمل للہ, جو کام کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے. دیکھیے کوئی کام دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کرے, اگر دنیا کے دکھانے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ عمل اخلاص سے بھرا ہوا نہیں, اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اخلاص عمل للہ, اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لینا. اور نصیحت لاولاد المسلمین, جو آفیسرس ہیں جو عہدوں کے اوپر ہیں یا علماء, کوئی اگر کوئی غلطی کریں تو ان کو نصیحت کی جائے, خاص طور سے حاکموں کو نصیحت کی جائے کہ آپ کو اللہ نے پوسٹ عطا فرمایا, آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے, ایک خیر ہے, اور دوسرے ایک ان کا ساتھ دے, اگر اچھا ہے تو آپ پورا ساتھ دے, خواہ مخواہ اس کے اندر کیڑے مت نکال, تو اس کی خیر خواہی ہے. وہ نصیحت لاولاد المسلمین, کچھ خامیاں ہوں تو خامیوں سے اسے متربع کر دیا جائے اور اس کی خیر خواہی کی جائے, خواہ مخواہ کیڑے مت نکال, اس لیے کہ ہر آدمی خطا کار ہے. فرمایا گیا کہ سلاس اللہ یقین علیہ نقل مم اخلاص عمل للہ اور والنصیحت لاولاد المسلمین, مسلمانوں کے جو آفیسرس ہیں, مسلمانوں نے جن کو بڑا بنا دیا ہے, آپ ان کے لیے خیر خواہی کی. وہ لزوم و جماعت, جماعت کے ساتھ جڑے رہی ہے, اس لیے کہ اگر آدمی جماعت سے نکل گیا تو اس کی مثال اس بکری کی سی ہو جاتی ہے جو ریور سے الگ ہو گئی, ظاہر ہے کہ جو بکری ریور سے الگ ہو جائے رائی کی نگاہ بچا کر کے ہمیشہ بھیڑیے کی نظر میں رہتی ہے, تو وہ لزوم و جماعت ہے, جماعت کو آپ پکڑے رہی ہے. اور بڑی پیاری بات کہی ہے, فین دعوت تو ہی تم نوارا, یہ دعوت جو پیش کیا, تبلیغ جو کی جاتی ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دوسروں تک پہنچانا کہ تو ہی تمہیں نوارا, اللہ کی رحمت اس کو چاروں طرف سے گھیرے رہتی ہے, اس کے پیچھے اللہ کی رحمت اس کو گھیرے رہتی ہے, وہ اللہ کے دین پہ لگا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے, فین دعوت تو ہی تمہیں نوارا, اس کے پیچھے سے اس کو گھیر لیا جائے, اس کی دعوت ان کی دعوت پیچھے سے گھیر لیتی, فإن دعوت التوحید من الله. اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ, اے لوگوں اللہ سے ڈرو. میں یہ کہوں کہ شریعت کی روح اگر آپ کہہ سکتے کسی چیز کو, وہ تقوی ہے. ایک خوبصورت گاڑی ہے, کتنے کی ہے؟ 50 لاکھ کی. ہاں اتنی مہنگی؟ اچھا آج دیکھیے نا اس کا انجن, دیکھیے کتنا اچھا ہے. ہاں انجن بہت اچھا ہے, اب کلر بھی بہت خوبصورت ہے, اور سیٹیں جو مقاعد ہیں وہ بھی بڑی اچھی اچھی ہیں, سب چیزیں صحیح ہیں, بتائیے اس میں بریک ہے کہ نہیں ہے؟ بریک تو نہیں ہے, پھر بولے گاڑی بھی جائے گی تو بھی جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز گاڑی کے اندر بریک ہوتی ہے, بریک جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقویٰ بالکل ویسے ہی ہے جیسے گاڑی کے اندر بریک, ایسے تمہاری زندگیوں کے اندر تقویٰ کی وہی اہمیت ہے جو ایک گاڑی کے اندر ایک بریک کی اہمیت ہوتی ہے. ہر جگہ آپ کو اللہ کا تقویٰ روکے گا, آپ غلط راستے پر چلنے لگیں گے تقویٰ آپ کو روکے گا, آپ نماز سے رکیں گے تقویٰ آپ کو محمد کرے گا کہ نہیں چھوڑنا نہیں, آپ کو غلط کام کرنے چلیں گے تقویٰ آپ کو روکے گا. تو انسانی زندگی میں تقویٰ کی وہی اہمیت ہے جو گاڑی میں بریک کی اہمیت ہوتی ہے, اور گاڑی میں بریک کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے, معمولی ڈرائیور جانتا ہے. تو یا ایھا الناس اتقوا اللہ, اے لوگ اللہ سے ڈرو. واستعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب اللہ, اگر تمہارے اوپر ایک غلام کہتے ہیں ارے بھائی فلاں خاندان کا نیچی ذات ہے, ہمارے یہاں کوئی نیچی ذات نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, کسی اجنبی کو عربی پر, عربی کو اجنبی پر فضیلت ہے ہی نہیں, فضیلت یہاں تقویٰ کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک تعالی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر مونسا وشعوب وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. تو معیار تکریم, معیار کرامت یہ تقویٰ ہے, جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا ہی زیادہ قابل احترام ہے, اتنا زیادہ مکرم ہے. تو یا ایھا الناس اتقوا اللہ, اے لوگوں اللہ سے ڈرو. اور تمہارے اوپر اگر کوئی غلام نہیں کہتے یار یہ فلاں خاندان کا ہے, دوسرے خاندان والے اس کو فالو نہیں کرتا, کوشش میں رہتا, کوشش رہتی ہے کہ ہمارے خاندان کا کوئی آدمی اس پوسٹ پر پہنچ جائے, نہیں. بھلے بس تو ملا لے جواب دوں یا خود حکم کتاب اللہ, اگر وہ کتاب اللہ سے
तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है, फर्स्ट मौलव वाजी, उसके बाद सुनो और उसके बाद करो। उसके बाद चंद लोगों ने खड़े होकर के कहा, फकर बल्कि एक आदमी खड़ा हुआ, लोग जो वहां बैठे हुए थे, फकर रजुल ने तवाइफ में दस या रसूलुल्लाह माता कहा, दोनों ने अल्लाह के रसूल पर अच्छा मौका है, आपको नसीहत फरमाए। एक नुक्ता ये मिला कि जलसे के दौरान मुकर्रर सामईन से सवाल कर सकता है। एक अयुशारी नाग आपने पूछा कि महीना कौन सा है, इसका मतलब यह है कि खतीब सामईन से सवाल कर सकता है। और यहां यह बताया जा रहा है कि सामईन भी मुकर्रर से सवाल कर सकते हैं। तो एक आदमी खड़ा हुआ, कह अल्लाह के रसूल कोई नसीहत फरमाइए, माता कहा मिले ही शॉर्ट में आपको एक चीज बोलनी है। जैसे लड़का पढ़ने के लिए कहीं जा रहा है, गाड़ी में बैठ गया, खिड़की के पास बैठा हुआ है, बाप खड़ा हुआ है, बेटे को जाते हुए देखते हो, उसके कलेजे का टुकड़ा उससे जुदा हो रहा है, जल्दी जल्दी चंद बात बोलता है, गाली छूटने वाली, अब उसमें तफसील थोड़ी बहुत रखेगा, चंद चीजें बता देगा, बेटा ये करना है, ये करना है, ये करना है। बिल्कुल इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदा होने वाले हैं और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम को जल्दी जल्दी चंद्र से ये करने वाले हैं, जिसको दरिया कोकूजे में बंद करना। आपने फरमाया उबुदू रब्बकुम, तौहीद को मजबूती से पकड़ो, आज तौहीद ही हाथ में नहीं लोगों, उबुदू रब्बकुम सिर्फ अपने रब की इबादत करो, वो सल्लु खमसतुम पांच वक्त की नमाजें पढ़ो, वो सूमु शहरकुम एक महीना रमजान का है 12 महीनों में तुम उसका एहतराम करो, रोजा रखो, वातीउ साअमरिकुम और जो तुम्हारे ऑफिसर्स हैं, जो तुम्हारे हाकिम हैं और तुम्हारी रहनुमाई कर रहे हैं, तुम उनकी इताअत करो, तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, जन्नत में दाखिल हो जाओ। शॉर्ट में बोलो और उसके बाद फरमाया पड़ोसियों को, पड़ोसियों का लोग आज अमन के कयाम के बारे में कितने कोशिश हैं, हर पार्टी ये कोशिश कर रही है, हर जमात ये कोशिश कर रही है, तमाम लोग ये चाहते हैं कि अमन कायम हो, अमन कायम हो, हुकूमत ये भी चाहती है, ये पूरी दुनिया में अमन कायम, हमारी हुकूमत ही चाहती है पूरी दुनिया में अमन कायम, हमारे हिंदुस्तान में अमन कायम हो, पूरी दुनिया में अमन कायम हो, अमन की कोशिशें पूरी दुनिया में हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा ले जाओ, उसकी तशरीह करते हुए मैं बताता हूं अमन कायम कैसे होता है। आपने फरमाया पड़ोसियों को हुकूक का ख्याल रखो, हर आदमी अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, वो पड़ोसी उसका ख्याल रखे, उस पड़ोसी का ख्याल रखे, वो पड़ोसी उसके साथ असर सलूक करे, अमन तो उसे कायम हो जाएगा, क्या कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, बहुत प्यारी बात है कि हर आदमी अपने पड़ोसी के साथ उसने सलूक करे, वो उसके साथ, उसके साथ, उसके एक चैन बन जाए और फिर हुकूमतें दूसरी हुकूमतों के साथ हुस्न सलूक करे, इस तरीके से पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। अगर आदमी अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करने की ठान ले तो कयाम अमन का सबसे बेहतरीन नुस्खा यह है कि आदमी अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करे, बताइए इससे अच्छा नुस्खा क्या हो सकता है। आपने आपने इतनी ज्यादा फजीलत बयान कर दी किनकी, पड़ोसियों की, हत्ता कुल तो इन सही सूर, रावी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तरके में वारिस बनाने वाले, इतनी फजीलत आपने बयान फरमाई पड़ोसी। उसके बाद आपने फरमाया इन्नल्लाह कद आता कुल्लज़ी हक्किन हक्कहू, अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है, लिहाजा अगर किसी मुसलमान का किसी मुसलमान के ऊपर कोई हक है तो हक अदा कर दे। एक और इसी तरीके से अल्लाह ने मरने वाले के वारिसिन के हक भी मुतय्यन कर दिया, फला वसीयत लिवारिसिन, वारिस का हक मुतय्यन है उसके बारे में वसीयत नहीं की जा सकती, मसलन दो हिस्सा लड़के का एक हिस्सा लड़की का, अब ये नहीं कह सकते तब मैं वसीयत करता हूं कि एक हिस्सा तो लड़की का है ही, एक हिस्सा उसको और दे देना, कतई जायज नहीं, ये वसीयत बातिल है। फला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के लिए वसीयत है ही नहीं। वल वलद फराश वलिल आहिर हजर, लड़का उसका है जिसके बिस्तर पर लड़का पैदा हुआ, और जानी के लिए पत्थर है, वलिल आहिर हजर। उसके बाद आपने फरमाया कि वह हिसाब हो मन अल्लाह, हिसाब तो अल्लाह लेने वाला है, और जो आदमी अपने अलावा किसी की तरफ मंसूब करे कि ये मेरा बाप, बाप ये है और बच्चा ये कह रहा है कि ये मेरा बाप, बाप गरीब है तो ये नहीं कह सकता कि ये बाप जो है मेरा है, ये जो अच्छा कपड़ा पहने ये मेरा बाप है, और इसी तरीके से गुलाम अपने उस आका की तरफ मंसूब न करे जिसका वो गुलाम है, दूसरे की तरफ अपने आप को मंसूब कर दे। आपने फरमाया अल्लाह की लानत उसके ऊपर। उसके बाद औरतों के बारे में बात कही, ला तुनफिकुल मरातु शैयन मिन बैतिहा इल्ला बिइज़्निहि, जो दिया बताया गया कि बिना शौहर की इजाजत के उनके पॉकेट में हाथ मत डालो, पैंट टंगी हुई है, शर्ट टंगी हुई है, सुबह लेकर रुक जाइए नहीं है और पूछ भी नहीं सकता, उनको मालूम है कहां गया पैसा,
तो लाजुल मरद शैयन मिन बैन अयमानिह, इसने सोचिए अपने शौहर की इजाजत के बगैर बीवी अपने शौहर का माल खर्च ना करे, पूछ ले बगैर पूछे उसकी जेब के ऊपर हाथ ना डाले। तो साहब कराम ने किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल खाना भी गल्ला वल्ला भी गल्ला, किसी को काजू दे दे रही पूरा लाया हो, किसी को मुनक्के दे दे रही, जो कुछ दे दे रही, कपड़े लाए कपड़े दे दे, गल्ले दे दे रही। कहा कि ये गल्ला ये तो अफजल माल है, तो सबसे बेहतर माल है, इसको बदर जौहर नहीं देना चाहिए उसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया अल आरियतु मुवद्दा, आरियत में कोई ले गया है उधार, दे दीजिए वो मेहमान आए हैं जरा गिलास दे दीजिए, जरा सेट दीजिए चाय वगैरह, अब वो ले गया लेकर के बैठ गया, ये आरियत में जो लाए आप वापस कर दीजिए। अल आरियतु मुवद्दा, जो आरियत में चीज ली गई उसको आप अदा कर दें। वल मिनहा मर्दूदतुन, और दूध वाली बकरी आप लाए हैं, भैंस लाए हैं, गाय लाए हैं, भाई हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है ले जाओ भैंस, बाद में वापस कर देना। अब वो भैंस लगे मेरी भैंस बोलता है, ये गाय मेरी है, ये बकरी मेरी है, अरे भाई दूध पीने के लिए, दूध इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था, वल मिनहा मर्दूदतुन, लौटा दे भाई इसको। वदैन मक्सीजुन, और कर्ज अगर आपने लिया तो उसको लौटाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई मर जाता तो आप पूछते थे कि ये आदमी मकरूज है कि नहीं, अगर आपको पता चलता है कि साथ में कर्ज लिया हुआ तो आप उसकी नमाज नहीं पढ़ते, लोगों से कहते थे इसकी नमाज जनाजा पढ़ लूंगा नहीं पढ़ता, तो कर्ज की अदायगी जरूरी है। वदैन मक्सीजुन, और दैन कर्ज ये जरूरी है कि अदा किया जाए। वह सही मुकारिम, कोई आदमी किसी की गारंटी ले लेता है, ठीक है ये 50,000 आपका बाकी है ना, नहीं दे पा रहा, मैं गारंटी लेता हूं ये देगा, तो अब जिसने गारंटी ली है वो अदा करेगा, वो देगा। वह ज़ई मुग़ारिमुन, गारंटी लेने वाला अब ये तामान अदा करेगा, ये देगा। उसके बाद ये फरमाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वहां से रुखसत किया, लोगों ने कहा हाज़ी हज्जतुल वदाई, ये हज्जतुल वदाई अल्लाह, ये पूरी की पूरी तकरीर थी, मैंने सरसरी तौर पर आपकी बातों की तशरीह कर दी है, वरना एक एक लफ्ज ऐसा है, एक एक लफ्ज कानून है, एक एक लफ्ज रोशनी है, जिसकी लाइट में, जिसकी रोशनी में आप पूरी जिंदगी का मंशूर तैयार कर सकते हैं, पूरी जिंदगी आप बिता सकते हैं। इस खुतबे का एक नाम हज्जतुल वदा है, इसलिए कि आप इस खुतबे के बाद दोबारा हज के लिए नहीं आ सके, रब्बे आला सजा मिले, रफीक आला सजा मिले। वदा माने रुखसत, वदा रुखसत, रुखसत हो गया, इस वजह से हज्जतुल वदा कहा जाता है इसको। एक इसका एक नाम और भी हज्जतुल बलाग, बलाग का मतलब ये आपने 23 साल में जो पैगाम लोगों तक पहुंचाया था उसका पूरा खुलासा पहुंचा दिया, इस वजह से इसको हज्जतुल बलाग कहा जाता है। इसका एक नाम और भी है हज्जतुल इस्लाम, इसलिए कि आपने इस्लाम के जो बुनियादी उसूल और जवाबित हैं उसको मुख्तसर तौर पर, खुलासे के तौर पर पेश कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे दरमियान उलमाए किराम, उलमाए निज़ाम मौजूद हैं, और इसी तरीके से पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ फ़नून से जुड़े ही लोग मौजूद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सआदत बख्शी कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा आपकी ज़बान में पहले पेश किया, फिर उसकी शरह की। अल्लाह मुझे और आप सबको उसके एक एक कानून के ऊपर, एक एक ज़ाब्ते के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। शेख मोहतरम ने बहुत ही प्यारी बातें हमारे सामने रखी, ज़रूरत इस बात की है कि हम उन बातों पर अमल करें, क्योंकि आम तौर पे देखा ऐसा जाता है कि हम इजलास के अंदर या कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत तो करते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वही अपनी बातें रह जाती है, और यहाँ से जाने के बाद जो कुरान और सुन्नत की बातें हम यहाँ से ले करके जाते हैं उन बातों को भुला देते हैं। अब दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, इस दुनिया के अंदर आप जैसा करेंगे, जैसा बीज आप बोएंगे, कल कयामत के मैदान में आपको वैसा सिला और वैसा फल मिलेगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है
शेख मोहतरम ने हमारे सामने जिंदगी गुजारने के मंशूर के ताल्लुक से जो बातें हमें बताई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं ऐ बारी इलाहा, तो हमें तमाम बातों पर अमल पैदा होने की और साथ ही साथ अपने अहले खाना को भी उन पर अमल पैदा कराने की तौफीक अता फरमा, आमीन रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक और नुसरत से हमारी इस बसंत का इख्तिताम पज़ीर हुआ। बाद मैं अपने तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मल्लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। लिहाजा मैं इसी के पेश नज़र मैं उन तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इत्मीनान और संजीदगी का मुजाहरा करते हुए हमारे इस दीनी मजलिस को कामयाब बनाया। बादहु मैं अपने मेहमान दी वक़ार फजीलत शेख हाफिज़ जलालुद्दीन कासमी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सफ़र की मुश्किलात को बर्दाश्त करके हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि वो आपकी मुखलिसाना करम फरमाइयों को इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए तरक्की का वसीला बनाए और आपका साया तादेर उम्मत मुस्लिमा पर कायम रखे, आमीन रब्बुल आलमीन। दुआ है घर मेरे मेहमान बार बार आए, दुआ है घर मेरे मेहमान बार बार आए, हज़ार बार हो जाएं हज़ार बार आए, ये खुश नसीबी है अपनी, ये अपनी किस्मत है, ये खुश नसीबी है अपनी, ये अपनी किस्मत है जो आए सहने चमन में लिए बाहर आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं करे बारी इलाहा इस मजलिस के अंदर हमसे जो खताएँ और गलतियाँ हुई हों इलाही तो उनको माफ़ फरमा, इलाही हमने जो बातें सुनी इलाही तो हमें उन पर अमल पैदा करने होने की तौफीक अता फरमा, इलाही हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाही आज हम इस दुनिया के अंदर बहुत परेशान हाल हैं, हर तरफ हमें सताया जा रहा है, इलाही तो हमें इज्जत की ज़िंदगी गुजारने की और कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाही जहाँ भी मुसलमान जिस खत्ते के मुसलमान और जिस मुल्क के मुसलमान परेशान हाल हैं, इलाही तो हमें इस बात की तौफीक दे कि कम से कम हम उनके लिए अपने हाथ को उठाकर दुआ तो कर सकते हैं। इलाही तो हमें अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर वो किसी एक मुसलमान को एक कांटा भी चुभता है तो दूसरे मुल्क का मुसलमान उसको तकलीफ होना चाहिए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कहे बारी इलाहा इस दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। इलाही हम में से जो मर चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अस्तग سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك। إلهي हमसे जो भी गलतियाँ हों तो उनको माफ़ कर दे और हमारे नेकियों को कबूल फरमा, हमारे इस दीनी मजलिस को बरकतदार बनाते हुए इलाही तो हमारे इस दीनी मजलिस को कबूल फरमा। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين تقبل يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आप हजरात ये बयान सुने कि आप लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है, बरए मेहरबानी नमाज पढ़ने के बाद, नमाज से पहले ही नमाज पढ़ने के बाद आप लोग खाना खा कर जाइए।
मुनादा रख लो बोले आया था अब उन्हें नंबर नहीं अरे सवाल नहीं करने देना चाहिए था पूरा टाइम उसे नहीं बोल सवाल नहीं करने देना चाहिए था वो बदतजी से उसको बैठना नहीं आता है जो तहजीब से सवाल नहीं करने चलो क्या हुआ सर पहुँचा दीजिए क्या हुआ।